हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैथनी वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, दमन आईएमडीबी रेटिंग, जी हाँ दोस्तों, दमन आईएमडीबी रेटिंग 9.7। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत अच्छी खबर ये है कि दमन मूवी का जो आईएमडीबी रेटिंग है ना दोस्तों, बहुत अच्छी आई है सामने। जी हाँ दोस्तों, हालांकि आपको बता दो ना, केजीएफ और आरआर का भी रिकॉर्ड बीट कर दिए इसने आईएमडीबी रेटिंग के मामले में। जी हाँ दोस्तों, कांतारा का भी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 9.7 सबसे ज़्यादा अभी दमन मूवी के पास है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि दमन मूवी की जो कंटेंट है, जो सब्जेक्ट है, वो एक स्ट्रॉन्ग है और पब्लिक को पसंद आई है ये सब्जेक्ट। और कहीं ना कहीं आईएमडीबी रेटिंग एक बहुत महत्व होती है किसी मूवी के लिए। आपको पता है पिछले साल 2022 में आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से बहुत सारी फिल्मों को अवार्ड दिया गया था, जैसे कांतारा, सीतारामम जैसी फिल्मों को भी उन्होंने दिया था। दोस्तों, सुपर तरीके से मूवी चली थी। और आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं आईएमडीबी रेटिंग जो होती है, ऑडियंस का प्यार मिलने के बाद, ऑडियंस का जो बोलते हैं ना, एक्साइटमेंट होती है कि नहीं, इस मूवी को लेके बज बनती है, तो वो सब देखने को मिलता है, तो जाके आईएमडीबी रेटिंग का जो पॉइंट होता है वो आंकड़ा सामने आता है दोस्तों। तो यार, अभी आपको पता ही है कि दमन मूवी वर्ड ऑफ माउथ जो कि ऑडियंस का काफ़ी अच्छी आ रही है। हालांकि अभी आज का बता दूँ, ऑक्यूपेंसी जो थिएटर की है कुछ ज़्यादा नहीं है, है ठीक ठाक लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं है। फिर भी आपको बता दूँ कि 30 से 40% ऑक्यूपेंसी है ऑडियंस की आज का। हालांकि आज सैटरडे है दोस्तों, छुट्टी का दिन है, कल संडे है, छुट्टी का दिन है, ऑडियंस को इस मूवी को देखने के लिए टाइम है, क्योंकि छुट्टी का दिन है तो पब्लिक जाएगी थिएटर में देखने। तो देखते दोस्तों जाती है कि नहीं जाती है, मतलब वर्ड ऑफ माउथ जिस तरीके से ऑडियंस का रिव्यू आ रहा है, सारे ऑडियंस को मूवी पसंद आ रही है, नेगेटिव रिव्यू नहीं आ रहा। क्यों है नेगेटिव रिव्यू भाई, मूवी का नेगेटिव होएगा ही नहीं, क्योंकि मूवी इतनी अच्छी बनाई गई है कि कोई नेगेटिव करेगा भी ना। वो चला बस देश का सबसे बड़ा चूतिया इंसान होगा जो इस मूवी को नेगेटिव करेगा। यार सच्ची बोल रहा हूँ यार, सुपर। तो दोस्तों, बस एक प्राउड फील ये हो रहा है कि आईएमडीबी रेटिंग इसका बहुत अच्छा आया है, दिल से खुश हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ। तो जितने भी हॉलीवुड इंडस्ट्री और ओडिया लैंग्वेज, ओडिया के जो ऑडियंस है, उनको तो बोलूँगा ना भाई, आप ना हैप्पी हो, हैप्पी हो जाओ। आईएमडीबी रेटिंग 9.7, 2023 का अवार्ड दमन के नाम। जी हाँ दोस्तों, 2024 आने दो, दमन को आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से अवार्ड ना मिलना है तो मेरा नाम बदल लेना। तो दोस्तों, आप लोग कितना खुश हो खासकर दमन का आईएमडीबी रेटिंग को लेके, आप हमें जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।